प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को देश के कई शहरों से उड़ान पॉलिसी के तहत जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत अभी तक इंदौर को 21 शहरों से कनेक्ट किया जा चुका है और इसी के साथ पुराने एयरपोर्ट स्ट्रीट हैंगर के इस्तेमाल करने की अनुमति पर भी केंद्रीय मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें कि इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 के साथ ही अन्य कई मायनों में भी विश्व पटल पर आ चुका है। इसी कड़ी में शहर में स्थित माँ देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई सहित अंतरराज्य कई उड़ाने भर जा रही है। जगह के अभाव को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार अब पुराने एयरपोर्ट को भी उपयोग करने की अनुमति केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई है। आज 3 शहरों से इंदौर को जोड़ने के बाद अभी तक कुल 21 शहर इंदौर से कनेक्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हैदराबाद तेलंगाना को जोड़ा गया है और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोई भी फ्लाइट अधूरी नहीं जाएगी, सभी पर पूर्ण रूप से पैसेंजर होंगे और इसी आश्वासन के साथ आने वाले शहर में समय में शहर को और अन्य क्षेत्रीय शहरों से कनेक्टिविटी देने की बात कही है। देखिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सीओ मंडाविया जी को, जिन्होंने इसे संभव करवाया। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे इंदौर के सांसद एवं यहाँ के उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ साई को, हमारे दोनों मंत्री उषा ठाकुर भाई रावत जी को, हमारे विधायकगण को और सुनील मेंडे जी को भी, अशोक नेते जी को भी, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, सुनील मेंडे जी और शंकर ललवानी जी ने भी, कि ये संभव हो पाए। और आज दोनों राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी हुई है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना के साथ भी कनेक्टिविटी हुई है हैदराबाद के साथ। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रारंभ योजना है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इंदौर को केवल बड़े बड़े शहरों के साथ जोड़ना काफ़ी नहीं, हमें दूसरे राज्यों के साथ जोड़ना होगा, छोटे छोटे शहरों के साथ भी जोड़ना होगा। और गोंदिया और इंदौर के बीच में बहुत सारे रिश्ते हैं और इन रिश्तों को भी और नज़दीक लाना हमारा दायित्व है और ये शुरुआत है। और कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 शहरों को हमने कनेक्ट किया है पिछले 7-8 महीनों में, इसके पहले करीब 12 शहर कनेक्ट हुए थे, तो टोटल 21 शहरों को इंदौर से आज कनेक्ट किया है और दुबई की फ्लाइट भी इंदौर को दी है। जो शंकर जी ने मांग मुझसे रखी थी कि जो स्टेट हैंगर है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए पुराने एयरपोर्ट में, उसकी अनुमति भी मैंने दिलवा दी है, तो इंदौर की प्रगति और विकास में कोई कमी नहीं रह जाएगी। पहले सांसद के रूप में और दूसरे मंत्रियों का जो मंत्रालयों का जो मेरा प्रभार था, सदैव ताई के आशीर्वाद के साथ हमने कार्य किया इंदौर की प्रगति और विकास के लिए, और आने वाले समय में भी ताई शंकर ललवानी जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, उनके आदेशों के अनुसार ही हम लोग कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री